हेलो बारिश, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। आज कृष्णा की किचन में बनने जा रही है बैंगन आलू की देसी तरीके से सब्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन और आलू की सब्जी। तो बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने बैंगन को ऊपर से छील लिया है और छील के ऐसे पीसेस कर लिए हैं, और आलू को भी छील लिया है और इस तरह कट कर लिया है, और इनको डाल दिया है पानी में जिससे कि ये काले ना पड़े। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ली है मीडियम साइज की, और दो टमाटर लिए हैं छोटे छोटे, और दो हरी मिर्ची ली हैं, और यहाँ पे मैंने मसाला पीस लिया है। मसाले में मैंने लाल मिर्ची ली हैं 6 से 7, और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ हैं 6 से 7, और थोड़ी सी प्याज है इसमें, और हल्दी है। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में दे दिया है ऑयल, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए इसमें डाल दीजिए प्याज कटा हुआ और हरी मिर्ची, हल्का सा भून लीजिए। और जैसे ही प्याज हल्की सी भून जाए इसमें डाल दीजिए मसाला जो हमने पीसा था। मैं मसाले हमेशा सिल पे ही पीसती हूँ, मिक्सी का उपयोग बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि सिल पे पीसे हुए मसालों से स्वाद सब्जी में अधिक आता है मिक्सी में पीसे हुए मसालों की अपेक्षा। अब इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी जिससे कि मसाला अच्छे से पक जाए। ये सिल पे पीसे हुए मसाले हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, मगर सब्जी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। ये देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छे से भुन गया है। ये देखिए मसाले ने चारों ओर अपने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे डाल दीजिए आप कटे हुए टमाटर, नमक डाल दीजिए इसमें स्वाद अनुसार, और टमाटर को अच्छे से पकने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आप ऐसे दबा के देख लीजिए, ऐसे साइड में टमाटर लेके ऐसे दबा के देख लीजिए, अच्छे से गल गए हैं। यहीं पे डाल दीजिए आप कस्तूरी मेथी। अब इसमें डाल दीजिए बैंगन और आलू, और अच्छे से कर दीजिए इनको मिक्स। ये देखिए सब्जी में आधी से कलर कितना प्यारा आया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी बनेगी। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके आप इन्हें ढक दीजिए, और गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, जिससे कि जो बैंगन ने पानी एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर वो इसे निकाल दे। और आप उसी हिसाब से फिर सब्जी में पानी डालिए जितनी आप ग्रेवी चाहते हो। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं, अपनी सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए जो बैंगनों ने पानी एब्जॉर्ब किया था अपने अंदर वो छोड़ दिया है। ये देखिए सब्जी एकदम लिपटेमा हो गई है। बस अब आप इसमें अपने हिसाब से जितनी आप तली कर रखना चाहें उतना पानी दे सकते हैं। आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और अगर आपको लिपटेमा चाहिए तो आप पानी इतना ही रखें। तो बस आप इसे अब ढक दीजिए, और ढकने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए पका लीजिए। आपकी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी, मगर गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर ना पकाएं। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे सब्जी में अच्छे से उबाल आ रहा है, और सब्जी हमारी बनके तैयार है। ये देखिए मैं आपको आलू फोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं। तो यहीं पे गैस का फ्लेम कर दीजिए आप बंद, और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दीजिए। तो फ्रेंड, सब्जी बनके हो गई है हमारी तैयार। ये देखिए लग रही है ना टेस्टी और यम्मी।
देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में उससे भी और टेस्टी सब्जी है ये। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलती हूँ ऐसी किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।